हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम। अभी आप लोगों का PT2 एग्ज़ाम हुआ है। आई होप सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। और आज से हम आपकी क्लासेस फिर से, आपकी लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज हम लोग आपके मैथ्स और क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 1E सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1D तक पूरे क्वेश्चन को हम क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अब उसके आगे वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है एस्टीमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट दिया है, अभी हम लोगों ने एस्टिमेशन का हम लोगों ने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन उसका करेंगे। कैसे उसका मल्टीप्लाई करते हैं, सेम जैसे मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया था कि कैसे नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करते हैं नियरेस्ट 100 में, सेम उसी तरह कन्वर्ट करना है। बस वहाँ पर हमको ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पर उसी चीज़ को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कन्वर्ट करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला नंबर दिया है हमारा 38 × 63, लेकिन इसको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले इसको इस राउंड ऑफ करके इसमें नियरेस्ट 10 तब जाकर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए 38 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि नियरेस्ट 10 में जब भी नंबर को कन्वर्ट करना हो तो किस प्लेस को देखते हैं, वन प्लेस पे देखते हैं कि कौन सा डिजिट है। अब आप किससे कंपेयर करने के लिए बताया था आपको, तो 5 से इसको कंपेयर करने के लिए आपको मैंने बताया था कि अगर 5 से वो डिजिट जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 10 में। अगर 5 से कम है मतलब 4, 3, 2, 1, तो वो नंबर सीधे कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 0 में। तो ये देखिए 8 जो है 5 से ज़्यादा कम है तो ज़्यादा है, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 10 में। तो 10 का क्या हुआ, 0। और 1 के इधर आ जाएगा 3, 1, 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी तरह इसको अब ये देखिए यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 1 प्लेस में क्या, 3 है, 5 से क्या है ये कम है, तो ये सीधे ये नंबर किस में रिप्लेस हो जाएगा, 0 में। यहाँ 0 लिखेंगे और जो बच गया क्या, 60। अब इस दोनों को क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 40 × 60। अब जो आंसर आएगा तो सामने सामने आपको लिख लीजिएगा, रख लेंगे ऐसे और इसको क्या कर दीजिएगा, जैसे करते हैं 0 0 0 0 0 6 0 0 और 6 4 20 4, फिर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये 0 0 4 और ये 2, टोटल हमारा कितना आ गया 2004, ये हमारा कर जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन है आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ लिखा है 42 × 75। उसी तरह पहले कन्वर्ट किसमें करेंगे, पहले नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करके तब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 42 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कीजिए, तो ये देखिए आप बोले थे 1 प्लेस को लेते हैं, यहाँ पे 2 है। कंपेयर कैसे करते हैं 5 से, ये बताइए 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है, कम है ना, इसीलिए वो नंबर किसमें रिप्लेस हो जाएगा, 0 में। अब जो नंबर आएगा ना उसको हम कर देंगे, लिखते हैं राइट करें 40। अब ये लिख लेते हैं कितना है 75। अब ये देखिए बोले तो 5 और 5 से ज़्यादा, यहाँ देखिए 5 है, 5 और 5 से ज़्यादा 5 है ना, अभी भी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 10 में। तो 10 का 0 और एक टेन इधर आएगा तो 7 1 80 हो गया ना। अब इसका क्या लिखेंगे, अटेंडेंस रीडिंग सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो आप कर लीजिएगा सामने सामने बढ़ जाएगा, 3200 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे,
जितने भी ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और इसके आगे क्या क्वेश्चन हो तो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट उसका निकाला था। अब इस क्वेश्चन में हमको जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको पहले नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करके तब उसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, 376 मल्टीप्लाई 123, इसको पहले कन्वर्ट करना है नियरेस्ट 100 में। तो 376 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई नंबर्स दिया रहे उसको नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10 में या नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करने के लिए पूछे, तो आप लोगों को मैंने आप लोगों को प्लेस बताया था किस प्लेस पे देखते हैं। तो इसको किस प्लेस पे देखते हैं, 10 प्लेस को देखते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए बताया था किससे, 50 से। तो बताया था कि अगर यहाँ पे 50 से ज़्यादा या 50 होगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दोनों नंबर सीधे 100 में। अगर 50 से कम होगा तो दोनों नंबर सीधे रिप्लेस किस में हो जाएगा, 0। तो ये देखिए, ये बताइए कि ये जो हमारा है नंबर 76, ये बताइए 50 से ज़्यादा है कि 50 से कम है। तो 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा हुआ तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 100 में। तो 100 का क्या होता है, डबल 0, और एक कैरी जब इधर जाएगा तो 31 कहा जाएगा 4, ये हमारे कितना आ जाएगा 400। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले प्लेस किस प्लेस पे, 10 प्लेस पे देखते हैं कितना दीजिए, दोनों डिजिट को देखेंगे तो ये देखेंगे 76, कंपेयर किससे करते हैं 50 से, तो 50 से ज़्यादा एक कम है, 50 से ज़्यादा है, तो इसलिए कन्वर्ट किस में हो जाएगा 100 में। 100 का डबल 0, 1 कैरी इधर जाएगा तो 400 हो जाएगा। उसी तरह भी देखते हैं इसको, अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, ये 23 है और 50, ये बताइए 50 से ज़्यादा है कि 50 से कम है, तो 50 से कम है ना, तो दोनों नंबर किस में रिप्लेस हो जाएंगे, 0 में। तो अब यहाँ 0 लिख देंगे दोनों नंबर, और जो नंबर है आगे वो उसको राइट कर देंगे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। सो द रिक्वायर्ड दोनों को इनपुट कीजिए, तो आपका कितना आ गया, 40,000 क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग पहले रफ में कैसे करिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको लिख लीजिएगा, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करके जानते हैं कि जीरो या ना किसी भी जीरो से किसी भी नंबर में हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर हमारे क्या आता है, जीरो आता है। 0 0 0 0 0 4 0 0। फिर अब क्यों यहाँ पे एक प्लेस हम गैप छोड़ देते हैं, क्योंकि ये किस प्लेस पे है बताइए, ये 10th प्लेस पे है, और ये कौन सा प्लेस है, 100, इसलिए इसको इसका जो 10th प्लेस का है हम 10th प्लेस से राइट करना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए एक प्लेस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 0 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
हमको करना पड़ेगा। तो 10 जा 0, 10 जा 0, 14 जा प्लस कर देंगे 0000 आ गया हमारा 40,000। 40,000 आ गया। तो इस तरह आपको रफ में करके और यहाँ पे सॉल्व आंसर लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 599 × 179। सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसको नियरेस्ट हंड्रेड में कन्वर्ट करना होगा। तो 509 देखेंगे ना। अब ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस पे क्या, इसको भी 50 से कंपेयर करें तो जीरो है, ठीक है। इसे मैं मेरा दो नंबर क्या हो जाएंगे जीरो, और आगे मैं जो बना था उसको राइट कर देते हैं 500। इसको देख लेते हैं बेटा, ये 50 से क्या है ज्यादा है ना 79, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 100 में। यार ये 100 का डबल जीरो और ये कैरी का चला जाएगा तो 1 1 200। अब फिर इसको लिख देंगे, सो द
रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इज इक्वल टू 500 200। फाइव हंड्रेड इन टू 200 हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वन लाख आ जाएगा। ये हमारे क्या आपको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, बोला आंसर आ जाए। इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 बताया था, आप लोग 2, 3 कर लीजिएगा। और उसके बाद से आप लोग इसमें मैंने 7 और 10 बताया था, आप लोग 8, 9 और 11 सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा एक बार फिर से आपको मैं रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज आपका 1 स्टार्ट की थी, जिसमें हमको नियरेस्ट 10 में जो नंबर्स थे उसको पहले कन्वर्ट करके और क्या करना था, उसका प्रोडक्ट फाइंड करना था। फिर उसके बाद नियरेस्ट 100 में उसको कन्वर्ट करके फिर उसका प्रोडक्ट हमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो जैसे हम लोग ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, नियरेस्ट 8 और नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करते थे, सेम उसको भी वैसे ही करना था। बस इसमें क्या करना था, हमको मल्टीप्लाई करना था। और इसके वो सबको अच्छे समझ में आएगा, सभी बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।